मध्य प्रदेश के साथ साथ धार जिले में भी विजय दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा आयुष संस्कृति विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो 48वें विजय दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहुंचकर 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में भाग लेने वाले शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर साधो ने इसके पश्चात महाविद्यालय परिसर में युद्ध के दौरान देश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी तथा सैनिकों की फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम ने भी शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित किए। डॉक्टर साधो ने इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश वाचन किया। उन्होंने कहा कि हम गौरवशाली भारत के वासी हैं। आजादी के परवानों ने इस देश को विपरीत परिस्थितियों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को मजबूर कर आजादी दिलाई थी। इस मौके पर डॉक्टर साधो ने 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले कैप्टन डॉक्टर सर्वटे, ऑनरी कैप्टन भगवती पटेल, सिपाही अर्जुन सिंह, हवलदार इंद्रदेव तिपारी, सिपाही श्याम सुंदर शर्मा, हवलदार लक्ष्मी नारायण पाटीदार को पुष्पमाला, शाल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर साधो ने इनके अलावा इस युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों तथा शहीद सैनिकों के परिवारजनों को शाल, श्रीफल तथा पुष्पमाला से सम्मानित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर नंद किशोर उपाध्याय ने कविता भी प्रस्तुत की। देखिए धार से संवाददाता जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। मैडम पहले तो आज के आयोजन को लेकर दो शब्द। देखिए आज का आयोजन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयरन लेडी इंदिरा गांधी, जिसका पूरे विश्व ने लोहा माना था, उनके नेतृत्व में जो पाकिस्तान के दो टुकड़े किए गए और उन्होंने दिखा दिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। करना, कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। जुमलेबाजी करना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। और वो मुश्किलों को, मतलब मुमकिन, नामुमकिन को मुमकिन करना इंदिरा गांधी जैसे व्यक्तित्व को ही आता था, जो उन्होंने किया। और आज के दिन उनको याद करना हम सब देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो देश में चल रहा है, जिस तरह का परोसा जा रहा है हमारी भावी पीढ़ी को, वर्तमान को अतीत से रूबरू कराना ये आज की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो हम भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं, अगर उनको गलत चीज़ें उनके दिमाग में डाल दी जाएंगी तो वातावरण में गंदगी घुलती जाएगी। NRC को लेकर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया उसको लागू करने के लिए। जो कुछ हुआ है बांटने की संस्कृति है। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे राजा महाराजाओं को डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो वाली जो परंपरा अपनाई थी, उसको महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा हमें आज़ादी मिली थी, वो डिवाइड एंड रूल आज फिर इस देश में नज़र आ रहा है, और जिससे हर देशवासी के प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना बहुत ज़रूरी है। कि हमारा वो देश है कि जब हम सभी धर्म, सभी संस्कार, सभी संस्कृति के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। बंटवारे का लोगों ने यहाँ पर देखा, हम तो आज़ादी के बहुत बाद की पैदाइश है, लेकिन लोगों ने भुगता है और लोग बड़े प्रेम से रह रहे हैं, और उसमें फिर डिवाइड एंड रूल चलेगा तो ये आसानी से बर्दाश्त लायक नहीं है। मैडम प्रदेश सरकार जिस तरह भूमाफियाओं के विरुद्ध अभी सख्ती से पेश आ रही, धार जिले में भी कई अवैध कॉलोनियाँ, कई भूमाफियाओं का साम्राज्य पूरे जिले में फैला हुआ है जी, उसको लेकर यहाँ पर कब और कैसे कार्रवाई शुरू हुई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी जैसा नेतृत्व हमारे प्रदेश को मिला है और उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। हर वर्ग को यहाँ पर जो मुश्किलों से सामना करना पड़ा उससे छुटकारा देने के लिए हर उस व्यक्ति को छेड़ा जाएगा कि जो दुश्मन है इस समाज के, तो कार्रवाई शुरू कर दी है और मैं समझती हूँ कि जिलों के अंदर भी शीघ्र कार्रवाई होगी। मैडम ऐसा कई माफियाओं के ऊपर राजनीतिक संरक्षण देखा जाता है, कैसे निपटेंगे ऐसे हालात? बिल्कुल आपने देख ही लिया इंदौर का उदाहरण, तो फिर उसमें इट्स एंड बट्स लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.